ये किसको साथ लेकर चले? आज माँ बच्चा रोता है तो माँ उसको खामोश कराती है, उसकी जिद पूरी करती है। प्रधानमंत्री यही सोचकर ये कानून वापसी ले सकते हैं कि ये प्रजा जो है, मेरे बच्चे, जनता मेरे बच्चे, इस कानून को वापसी ले लूं। और इनको कानून वापसी लेने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये झूठी सरकार है। ये तो कह देते जुमला था, इसको भी कहते हैं NRC जुमला था, वापसी ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि संपत्ति है सब। कौन योगी? वो भोगी है, योगी नहीं है। वो भोगी है, योगी नहीं है। योगी का काम होता है मंदिर में बैठना, मौलवी का काम होता है मस्जिद में बैठना। वो मंदिर में बैठे देश को ना चलाए, कैसा चीफ मिनिस्टर? अब लोग कहते हैं अमित शाह, कैसा अमित शाह? अमित शाह लगता है बादशाहों के साथ, बादशाहों के साथ। बादशाह दुख दर्द सुनता है आवाम की, जनता की, अपने मुल्क की। ये शाह कैसा, कैसे शाह लगाते हैं आप लोग? अमित, ओनली अमित, सिर्फ अमित। दुनिया री दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड वेरी बैड। साथ जामे में दूसरे एक जो क्षेत्रीय निवासी है वो जुड़े हैं और जामे के स्टूडेंट भी रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस, आप मुझे एक बात बताइए, आप जामिया के स्टूडेंट भी रहे हैं जैसे अभी आपने बताया, और साथ ही साथ में बताइए, जैसा रोज़ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, जामिया एक अट्रैक्शन बन गया है हर चीज़ का, यहाँ से लोग अपने काम काज छोड़कर क्षेत्रीय निवासी भी यहाँ पे आगे योगदान कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस तरह का स्लोगन है, किस तरह की मांगे हैं सरकार से? जी, पहली बात जो मैं शुरू करना चाहूँगा वो यहाँ से, इस वक्त जो भी यहाँ की आवाम प्लस स्टूडेंट्स और प्लस एलुमिनस जो भी लोग हैं वो जुड़ रहे हैं आगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ अवेलेबल है, हम लोग भी ऑलरेडी जॉब करता हूँ मैं, तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। प्लस यहाँ पे जो पहला सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये है कि कैप को लेके है, CAA को लेकर है, कि उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है अभी, और उसको हटाने, उसको रिवोक करने की मांग की जा रही है सबसे पहले तो। वो दूसरी चीज़ ये CAA कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है रिलीजियस लाइंस पे, वो दूसरी चीज़। और तीसरी और जो सबसे ज़रूरी चीज़ अभी जो सामने आई है, NPR जो कि एक NRC का हिस्सा होने जा रहा है, उसको लेकर जानना चाहूँगा सबसे पहले। जी, मेरा नाम हिना अंसारी है। हिना अंसारी, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतनी सर्दी में दिल्ली में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आई हैं, आपके आने का रीज़न क्या है? हम सबके यहाँ पे आने का रीज़न सिर्फ ये है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे ही चाहते हैं, हम NRC और कैब के CAA के खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए हैं। माहिम। माहिम, आपका नाम? शाहाना रियाज। आपका नाम? शम्स कमर। आप तीनों जामिया के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। CAA NRC से आपको किस तरह की चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है, आपको क्या पता है इस बारे में? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना कुछ फ़ायदा है ही नहीं, सिर्फ नुकसान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप कहो कि ये कानून आया है तो इससे किसी का कुछ भला हो रहा है। अभी आप देखोगे पूरे मुल्क में क्या हो रखा है, सब सड़कों पे आए हुए हैं, हमें पढ़ाई नहीं करनी क्या? हम स्टूडेंट हैं इसलिए आए हम यहाँ पे कि हम पढ़ाई ना करें, बस नारेबाजी करते रहे, तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? हम परेशान हैं इसलिए हम रोड पर भी आए हुए हैं। NRC से हम लोगों को सिर्फ नुकसान ही है क्योंकि देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और जो हमारी ये गवर्नमेंट है बेरोजगारों के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ देश को तोड़ने की तैयारी कर रही है और इसे देश को तोड़ने के लिए एक कदम है जिसकी वजह से देश तोड़ना चाह रहे हैं। मैं अगर मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी ने आपसे 3-4 दिन पहले रामलीला मैदान में सबको संबोधित किया और वहां बोला है, खास तौर से बोला है कि जो कम्युनिटी है उसको डराया जा रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं, NRC की बात ही नहीं हुई है, इसमें आप क्या बोलते हैं? ये तो सिर्फ वो कह के चले गए ना, उनसे कोई सवाल करने वाला तो था नहीं कि हाँ मतलब कम्युनिटी को डराया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि डराया जा रहा है, हमारे पास खुद का भी दिमाग है, हमें कोई भड़का नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, हम अपने मर्जी से आ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है देश में और क्या नहीं चल रहा, उनके हिसाब से नहीं चल रहे हम कि हमें कोई डरा रहा है या कुछ कह रहा है। और मोदी जी से सवाल करने वाला वहाँ पे था ही कौन, वहाँ पे तो सिर्फ वो अपना बोले, अब वो तो ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे कोई कैंप भी नहीं बना हुआ है, कोई सेटअप नहीं हुआ है, तो फिर ये सब चीज़ें तो है ना यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो है, वो तो जो भी कहते हैं आज तक किया क्या उन्होंने, कहने के लिए ही होता उनके पास। उन्होंने कहा कि देश में नोटबंदी के बाद जो है काला धन आएगा, ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, आफ्टर ऑल सब लोगों ने बहुत ही सफ़र करा हर चीज़ को लेके। 9 बार उन्होंने कहा अमित शाह जी ने कि NRC आएगा, अब वो लिखित रूप में भी है, लिखित रूप माने या मूल जबानी माने? हम मूल जबानी तो 15 लाख भी आ रहे थे, आज तक नहीं आए। जून महीने में 2019 को जब प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में कहा था सबके सामने कि हमारी सरकार NRC लाएगी, प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं ना साफ साफ, उनको शर्म नहीं आती है, पूरी जनता के सामने खड़े होकर के झूठ बोलते हैं कि NRC नहीं आ रही है, ठीक है। और अमित शाह कहते हैं पार्लियामेंट में कि हम पहले NRC आएगा, पहले कैब आएगा फिर NRC आएगा, या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है। अब ये अपने में डिसाइड कर ले कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, उसके बाद ये पहले बताएं, इनका तो अपना फंडा पहले क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है,
उसके बाद ये हमें बोलते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है देश में। पहली चीज उनके ही ट्विटर अकाउंट पर, जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट था उनका, उस पर साफ था कि पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी लागू होगी। हमारे होम मिनिस्टर ने असेंबली में बार बार ये बात कही है, हम एनआरसी पूरे हिंदुस्तान में लाएंगे, और ये एक बार नहीं, ऑन रिकॉर्डेड ये बातें हुई हैं। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी शायद भूल जाते हैं कि वो असेंबली में क्या बोलते हैं या इंटरनेशनल फोरम्स पर क्या बोलते हैं और रैलीज में क्या बोलते हैं। उनके लिए एनआरसी जुमला होगा एक रैली में, जो 100 लोग आ रहे हैं उन्हें संबोधित करने के लिए, पर पूरी हिंदुस्तान के 130 लोगों के लिए वो जुमला नहीं था। जब अमित शाह जी ने असेंबली में ये बात बोली थी कि हम एनआरसी लागू करेंगे, तो मुझे लगता है बीजेपी को पहले ये समझना चाहिए कि उनकी अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छी हो, ताकि वो अपनी बात कह सके सही। इसके आंसर में बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में करना चाहूँगा। मैं खुद एक शुरू से नॉन पॉलिटिकल इंसान रहा हूँ, हमेशा गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ या उनका जो भी रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी मेरे को कि ठीक है कुछ भी ख़राब चल रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे कोई भी उनकी पॉलिसी हो, बट ठीक होगा। बट यहाँ पे मैंने खुद स्टडी किया है, चाहे वो CAA हो, NPR हो या NRC हो, और कहीं ना कहीं मुझे खुद वो चीज़ लगी है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, प्लस एक मुस्लिम हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अपने एग्जिस्टेंस को लेके एक ठेस पहुंची है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को हिट करेंगी, या किसी भी एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं हिट करने जा रही हैं। मेरे साथ जैसे और साथी हैं, मैं आपका नाम बताइए। समीर। समीर, समीर आप यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं या कहीं और से हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पे इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं, आपकी वजह क्या है? सर एक्चुअली क्या है ना, हम जो यहाँ पर आए हैं सर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ के जो लोग हैं हम सब इसलिए परेशान हैं, क्योंकि NRC और CAA से बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो रहा है। उसमें क्या है, उसमें जो ना हमारा जो संविधान जो है उससे उसमें जो अट्रैक्ट हो रहा है वो, तो बेहतर ये है कि ये जो कानून है ये वापस लेना चाहिए और इसको हटाना चाहिए। यही हमारी मांग है, हमारे मोदी जी से और अमित शाह से ये हमारी मांग है। हमारा जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो अलग बात बोल रहे हैं, अमित शाह जी अलग बात बोल रहे हैं, मोदी जी अलग बात बोल रहे हैं, तो NRC और CAA और NPR के रेस्पेक्ट में ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर बाहर के देशों के जो भी प्रताड़ित लोग हैं वो अगर इंडिया में, उनको अगर शरण मिल रही है, प्रधानमंत्री उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम क्या है? देखिए सर मसला क्या है, मसला ये है कि अभी तक बताइए कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने लोगों के बारे में बताया कि हमारे कितने शरणार्थी लोग हैं जो इंडिया से बाहर के हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हमारा जो बात बोल रहे हैं, इंडिया मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्यों बोल रहे हैं? आप बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं, और इसके अलावा तमिल जाइए, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे लोगों को दिक्कत है। ये हमारा जो CAA जो है ना, ये एक तरीके से कई एतबार से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना। एक तो ये कि आप तीन कंट्री ले रहे हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम नहीं आएंगे इसमें, तो ये भी तो एक तरीके से गलत बात है ना। अगर हमारे हिंदुस्तान के एक इंसान के साथ भी गलत हो रहा है तो हमारे संविधान के खिलाफ बात है। खुद नहीं, अच्छी बात है, किसी को कोई अगर प्रताड़ित हो रहा है कहीं पे, उसको हम जगह दे रहे हैं, ये इंडिया है, ये तो हमारा कल्चर है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि सेलेक्टिविज्म क्यों, हम लोग तीन ही कंट्री को क्यों ले रहे हैं? सेलेक्टिविज्म के खिलाफ हैं हम, क्या या कुछ ही कम्युनिटी या कुछ ही रिलीजन वाले को क्यों, या तीन ही कंट्री क्यों? आप यहाँ उससे ज़्यादा बहुत परेशान हो रहे हैं चाइना की वजह से, उधर जो है हिंदू माइनॉरिटी में, मतलब तमिल में जो है माइनॉरिटी हो चुके हैं उनके लिए भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके सेलेक्टिविज्म का क्या जवाब है, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने इन तीन कंट्री को ही क्यों चुना? क्या सेलेक्टिविज्म की को बता, हमारा संविधान कहता है कि जो हम सेलेक्ट करना चाहें वो करें, और जो हम रिजेक्ट करना चाहें वो मेरी मर्जी है, कि अगर मेरे पास अगर 303 की बहुमत है तो हम कुछ भी सेलेक्ट कर लें और कुछ भी रिजेक्ट कर लें, ये मेरे ऊपर है, ऐसा तो नहीं है। हमारे देश में पहले ही इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और उन लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग इतने ज़्यादा पढ़ने के बाद भी रोड पे ठेले लगाते हैं, वो बाहर से लोग लाना चाहते हैं और उन्हें काम देना चाहते हैं। पहले हमें तो नौकरियां दे दें, हमें तो बढ़ा लें, उसके बाद काम करें। एक बात बताइए, जब हम कुछ करने चलते हैं तो हम पहले अपने घर को ठीक करते हैं, हम बाद में बाहर वाले को देखते हैं या बाहर की हम बाद में वो करेंगे। अब हमारे घर के अंदर ही, हिंदुस्तान के अंदर ही इतना कुछ हो रखा है कि कोई भी सुकून में नहीं है, या लोगों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हुए हैं, कुछ भी नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, बाहर के लोगों को ला रहे हैं, वो कहाँ से नौकरी देंगे? उन्हें भी ऐसे ही रखेंगे, वो भी सड़कों पर ही रहेंगे हमेशा। वो क्या शो करना चाह रहे हैं कि बाहर के देशों को, मतलब यहाँ की सिटीजनशिप देना चाहते हैं, तो जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको मतलब क्यों प्रूफ क्यों देना है कि वो यहाँ के हिंदुस्तानी हैं? इससे क्या प्रॉब्लम है उनको? जब यहाँ के लोगों को ही करना है तो वो बाहर के लोगों को इतनी रहमत दिली दिखा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनको इतनी ठंड में इतना परेशान करना है, उनको दिखाई नहीं दे रहा ये सब चीज़ें?
ठीक है, तो मेरे साथ यहाँ पर एक जामिया की छात्र है, वो मेरे साथ जुड़ी है, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आपका नाम? अमरीन। मैं सबसे पहले जामिया से स्टार्ट करूँगा। 15 तारीख दिसंबर को यहाँ पे जिस तरह की वॉयलेशन हुआ, उससे आपको क्या समझते हैं? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है उसका अपना एक है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, किसी तरह की हमने बर्बरता नहीं करी है, हमारा टारगेट कुछ और था, लेकिन स्टूडेंट का कहना कुछ और है, जिसमें आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये वीडियो में सबने देख लिया है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। पहली चीज़ है कि दिल्ली पुलिस ये बोल रही है हमने कुछ नहीं करा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो में साफ आया है कि दिल्ली पुलिस गई है लाइब्रेरी के अंदर, उसने बच्चों को मारा है, और किस तरीके से मारा है, वो बच्चों के ब्रूजेस और हाथ पैर, उनकी आँख चली गई है, वो सब दिख रहा है। तो दिल्ली पुलिस बार बार अगर ये क्लेम करेगी कि हमने कुछ नहीं करा है, हम सही है, तो वो गलत है। तो जिस तरह का जब प्रदर्शन हो रहा है, कई जगह हिंसक हुआ, जैसे डेलीगेट में हुआ, जैसे कि जामे में, हम सभी को पता है 15 तारीख को यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उससे यहाँ के लोगों का, क्षेत्र निवासी लोगों का परेशान नहीं हो रहे क्या? परेशानी किसकी वजह से हो रही पता आपको? ये जो इलेक्शन आने वाला ना दिल्ली में, और ये जो बीजेपी की गुंडा है जो अपने भेज रही है, ये कौन, जो 10 लोग पकड़ाए थे उनमें से एक भी स्टूडेंट नहीं था, सारे बीजेपी आईटी सेल वाले जो हैं, पत्थर को दिख रहा है यहाँ पे, दिल हमारा बिल्कुल खुला है, जैसे हमारी जबान खुली है ना, चेहरा खुला है, दिल भी खुला है हमारे, हमारे दिल में किसी के लिए फरेब नहीं है, बस कोई हमारे साथ ना करे फरेब। आपको क्या लग रहा है, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सब रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं ये सब, ठीक है, ये गुंडे नहीं हो सकते हैं? गुंडे कहाँ बैठे पता आपको? संसद में बैठे हैं गुंडे, जो वहाँ से बैठ के आदेश देते रहते हैं। ये गुंडा कौन है पता आपको? ये तालिबान सबसे बड़ा गुंडा है, ये अमित शाह, ठीक है, जिसे जामिया के स्टूडेंट्स के ऊपर एलिगेशन लगता है कि वो यहाँ पर आके बस जलाया, उन्होंने पत्थरबाजी करी थी, फिर बाद में वो अंदर भागे कैंपस के अंदर, इसलिए पुलिस वाले उनको देखने के लिए अंदर गए, तब जाके सारी चीज़ें हुई, उन्होंने अंदर भी हमला करा, ऐसा कहा जाता है, ये पुलिस का मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इन्होंने क्या करा, दंगा भी खुद फैलाया, इन्होंने आते लाठीचार्ज कर दिया, मैं था नहीं लेकिन मैंने सुना है, इन्होंने आते लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गिर के गोले छोड़े, पब्लिक इधर उधर भागी, और यहाँ पे कोई रहा नहीं था, कोई अपनी जान बचा के सब भाग रहे थे। तो आप मौजूद थे वहाँ पर? हैं, आप मौजूद थे? मौजूद नहीं था, मैं 5 मिनट पहले यहाँ से निकला था, बच्चे आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था उस टाइम, जिस टाइम हुआ है, जो बात सच है वही बोलूँगा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो दंगा ही हो और दंगा करना चाहते हो, और बस हमें, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी अकल नहीं है कि जनता की चीज है ये, अपना देश है यार, अपना देश कौन जलाना चाहता है, अपना घर कौन जलाना चाहता है? ये पुलिस ने जिस तरीके से लड़कियों को मारा है, जिस वीडियो में आपने देखा है कि वो लड़कियों पर किस तरीके से डंडे बरसा रहे हैं, और वो अंदर पार्किंग में छुपी हुई उन्हें खींच कर मार रहे हैं, तो वो डिनाई नहीं कर सकते एक भी फैक्ट कि उन्होंने कुछ नहीं करा है। और इसमें सबसे बड़ा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है, इतनी परमिशंस मिली है, जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर गई है, परमिशन मिली है वीसी की भी, तभी अंदर गए ये लोग। बताइए, वीसी का तो साफ साफ कहना है कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है, मैं पुलिस पे केस करूंगी, इस तरह का मेरे साइड से कोई नहीं गया है, आप इस पर बोल रहे हैं कि वीसी की परमिशन है? देखिए, वीसी ने बाद में ये चीज़ बोली है, जिस दिन इंसिडेंट हुआ था, आप ये बताइए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई ये लोकल यूनिवर्सिटी नहीं है, बिना वीसी के परमिशन के कौन सी पुलिस किस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के अंदर जाकर मारती है? जेएनयू में कभी आपने सुना पुलिस गई लाइब्रेरी में मारा उसने, या फिर ड्यू में आपने सुना है कभी कि पुलिस अंदर गई है लाइब्रेरी में मार कर आई है? चलिए, लाइब्रेरी छोड़िए, मस्जिद में कैसे चली गई पुलिस? जब इमाम साहब बोल रहे थे कि नहीं आइए, यहाँ पर नमाज चल रही है, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, तो नहीं आइए, तो पुलिस मस्जिद के अंदर भी गई, और ये यूनिवर्सिटी के प्रेमाइस में आती है जो हमारी मस्जिद है, लाइब्रेरी में, तो वीसी तो बयान बदल रही है, वो सबको दिख रहा है। वीसी ने रात में कुछ बोला था, इंसिडेंट जिस दिन हुआ था उस दिन उसकी स्टेटमेंट बहुत अलग थी, नेक्स्ट डे उन्होंने अलग स्टेटमेंट दी, और थर्ड डे उन्होंने अलग स्टेटमेंट दी, FIR 3 दिन बाद सूझी थी उन्हें कि हमें FIR करानी है पुलिस पर, उस दिन क्यों नहीं उन्होंने बोला कि मैं FIR कराऊंगी पुलिस पर? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा, उसके बावजूद मुझे ID प्रूफ दिखाना पड़ता है, जितनी बार बाहर आना है जितनी बार जाना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई, जब किसी तरह का कोई हुड़दंग हुआ तो लोग अंदर चले गए होंगे। अब एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस का तो फिर ये कहना है कि उन लोगों ने, इस जामे के स्टूडेंट ने स्टोल पेंटिंग की, उधर गाड़ियों को, बसों को जलाया, इसमें फिर आप क्या समझते हैं कि जामे के छात्र इन्वॉल्व थे या नहीं थे? देखिए, मैं 3 दिन से प्रोटेस्ट में थी, Day 1 से जामिया की प्रोटेस्ट में थी, जामिया की प्रोटेस्ट सिर्फ एक था कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, और ये जितना इंसिडेंट हुआ है आप खुद बताइए, बसेस का अंजलि, महारानी बाग, भरतनगर, माता मंदिर, ये जामिया में तो नहीं आता है, वहाँ पर कौन बच्चा जाएगा बस जलाने? आपको लगता है कि वहाँ बच्चे जाएंगे? और अगर जामिया के गेट से कहीं और कुछ हो रहा है तो जामिया के स्टूडेंट्स ने, लोकलाइट से और बाहर के लोगों ने आकर करा है, सारे प्रोटेस्ट जितने हुए वो पीसफुली हुए, आप कहीं किसी भी एरिया में जाएंगे वो सब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के थ्रू। जो भी प्रोसीजर होने वाला है उसके अंदर सीधे सीधे तौर पर कहा कि हिंदुस्तानी जो है, जो यहाँ के निवासी हैं हिंदुस्तान के, चाहे मुस्लिम है चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बाहर के लोग हैं यहाँ पर, तो आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं?
देखिए किसी भी इंसान का जो एक्सप्लाइटेशन होता है वो सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर नहीं होता है, एक्सप्लाइटेशन ज़बान की बुनियाद पर हो सकता है, एक्सप्लाइटेशन लोकेलिटी की बुनियाद पर हो सकता है, रिलीजियस की बुनियाद पर हो सकता है। जैसे आप तमिल हिंदू को देखें, वो श्रीलंका के अंदर एक्सप्लाइट किए जाते हैं, उनका एक्सप्लाइटेशन का रीज़न क्या है, लैंग्वेज। तो एक्सप्लाइटेशन सिर्फ इंसान को मज़हब की बुनियाद पर नहीं किया जाता है, कि कोई भी काउज हो सकता है एक्सप्लाइटेशन का। तो आपने जैसे ही मज़हबी बुनियाद लगाया, मतलब एक एंगल आपने फिक्स कर रखा है कि मुझे उसी एंगल से देखना है, और मैं तो अभी डिटेल इसके ऊपर स्टडी कर रहा था तो मैं ये पाया कि ओनली 30,000 हिंदुओं को इसका फ़ायदा मिल रहा है। क्या होगा अगर NRC फिर भी लागू होगा, क्या होगा कि CAA तब भी आएगा? इतना प्रदर्शन होने के बावजूद भी सरकार लोगों की नहीं सुनती है या अपने अपने उनका जो फैसला है उस पर रहती है, फिर क्या करेंगे आप? किस तरीके से अपनी नागरिकता साबित करेंगे, इसका बाइकआउट करेंगे, क्या करना चाहेंगे? सर, जहाँ तक मुल्क के अंदर मुझे नागरिकता साबित करने का सवाल है, तो मैं अपने आबो अजदाद, अपने एंसेस्टर की 300 साल पुरानी हड्डियों को भी लाकर दिखा सकता हूँ कि उसके अंदर मुल्क से मोहब्बत है, क्योंकि हमारे आबो अजदाद, इवन कि मेरे ग्रैंडफादर एक फ्रीडम फाइटर थे। तो मैं अपने कब्रिस्तान से उन हड्डियों को लाकर दिखा सकता हूँ कि मैं इसी मुल्क का रहने वाला हूँ, लेकिन आपको कोई राइट नहीं दिया है इस तरह से किसी को लाइन में लगा करके कहें कि आप नागरिकता साबित करने का। मैं ये शेर के साथ बात रखता हूँ, मैं नहीं मानता ऐसे कानून को, ऐसे सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता ऐसे कानून के, ऐसे सुबह बेनूर को। से हम लोगों की जितने लोग हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये सबकी बात है, एक इंडियन सिटीजन की बात है, कि हमारी जब सिटीजनशिप पर बात आएगी तो यहाँ पर सब खड़े होंगे, चाहे वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो। ये कहना बहुत गलत है कि सड़कों पर मुसलमान उतर रहा है, सड़कों पर मुसलमान नहीं उतर रहा है, सड़कों पर वो हर इंसान उतर रहा है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। कि हमारे लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सब हमारी सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं करता, नहीं बताता है कि हम लोग जो है यहाँ के सिटीजन हैं। अगर एक पासपोर्ट नहीं बताता है कि हम लोग यहाँ के सिटीजन हैं, तो हम लोग अभी तक पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते आए हैं कि हम पासपोर्ट दिखाते हैं अमेरिका में जाके और हम उन्हें बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, जो कि गलत हो जाएगा। फिर इसका मतलब हमारी सरकार आज तक दुनिया को धोखा देती आ रही है कि हम जो है पासपोर्ट, मेरी नागरिक जिस नागरिक के पास भी है, जिस इंसान के पास है, वो इंडिया का सिटीज़न है, जबकि यहाँ का हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि पासपोर्ट जो है सिटीजनशिप को नहीं बताता है। तो क्या इतने लोग जो दुनिया में हैं, हिंदुस्तान से बाहर, उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वो सिटीज़न नहीं होने के बावजूद भी, जिसको वो क्लेम करते हैं पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो बाहर रह रहे हैं ये बता के कि हम इंडियन हैं? ये हम क्वेश्चन करना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। हमारा जो एक सवाल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से, वो है कि आप एक्सक्लूड मत करिए, आपको करनी है NRC, सबको लाइए, पर ये CAA के एक कवर मत बनाइए कि हम क्रिश्चियंस को, हिंदूज को, बौद्ध को, पारसीज को हम कवर कर रहे हैं और एक कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर रहे हैं बुरी तरीके से। वो चीज़ गलत है। आप करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली करिए। आपने हमारा आर्टिकल 14 क्यों हटाया, आपने वो क्यों हटाया? अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सबके लिए करिए, पर एक्सक्लूजन नहीं कर सकते आप।